स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्टूटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे अपना मून मिशन में फाइनल प्रोपल्शन कैसे करेंगे, यानी कि लूनर प्रोपल्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले कहीं पे भी आपको प्रोपल्शन इस्तेमाल करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा उस जगह का यूनिक बात क्या है, मतलब वहाँ पे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो सबसे पहला फ़ायदा आता है कि वहाँ लो ग्रेविटी है, यानी कि चांद के सतह पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत कम है। तो उसको मैथमेटिकली अगर डिस्क्राइब करेंगे तो वो होता है 1.62 मीटर पर सेकेंड बेसिकली सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बहुत कम है। अगर आप इसको जी में मानना चाहेंगे, जैसे कि अर्थ को अगर 1G मानेंगे तो कंपैरिजन में वो आएगा 0.1654G, मतलब बहुत कम है, 0.1%, मतलब 0.2 मान के चलिए। अगर आप रॉकेट बना रहे हैं, आप हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, तो आपका ग्रेविटी का कैलकुलेशन 0.2 मान के चलेगा। तो समझिए काफ़ी कम है, मतलब 0.1% भी नहीं है। फिर बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, ग्रेविटी सरफेस कम है लेकिन निकल उसको छोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी है 2.83 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब अगर आप लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंच गए तो आप आराम से छोड़ सकते हैं उसको, ऑर्बिट नहीं छोड़ सकते, मतलब ठीक है हम छोड़ दिए, तुम्हारा ग्रेविटी व्हील हम छोड़ दिए। तो उसका अर्थ के कंपेरिजन में होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ठीक ये सब हो गया आपका मेन फिजिक्स ग्रेविटी। बात आता है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो क्योंकि समझिए कोई भी रॉकेट है जिसको आप लॉन्च पैड पे रखते हैं, तो ये नासा बहुत गलत तरीके से सीखा, मतलब लर्न द हार्ड वे, कि जब स्पेस शटल का जो पहला एक्सीडेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि स्पेस शटल को जब लॉन्च का विंडो आया तो उस दरमियान विंडो क्लियर नहीं हुआ। मतलब विंडो क्लियर होने का मतलब होता है कि उस टाइम वेदर सही होना चाहिए, तो वेदर सही नहीं था तो उसलिए लॉन्च को पोस्टपोन किए, लेकिन रॉकेट को लॉन्च पैड पे रख दिया गया। अब उस दरमियान उससे मतलब जो भी लिक्विड फ्यूल है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, ये इवेपोरेट होता है तो ये कंडेंस करने लगता है, मतलब आइस होना। और उस दरमियान रात का तापमान और घट गया, तो मतलब जो कुदरती तापमान था वो भी घट गया, प्लस ऐसा इवेपोरेशन हुआ। तो जब ये सॉलिड बूस्टर्स में जो ओरिंग लगाए गए थे ये इतने कम तापमान को हैंडल करने के लिए नहीं बने थे। तो जब वो ऐसा हो गया कि रॉकेट तो आपने बनाया, रॉकेट पूरी तरह सही, लेकिन टेम्परेचर इतना कम हो गया कि सील ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जब उन्होंने लॉन्च किया तो सील से लीक होने लगा, लेकिन लीक हो रहा था सूट, तो सूट सील कर दिया, तो लेकिन समझिए खतरा तुरंत, इसीलिए लॉन्च पैड पर रॉकेट नहीं फटा। तो जैसे वो ऊपर गए, जब वो हाई एल्टीट्यूड विंड उसको दोबारा थोड़ा सा हिलाया तो वो सील जो मतलब समझिए इमरजेंसी सील हो गया था वो टूट गया और शटल एक्सप्लोड कर गया। तो इसलिए समझिए रॉकेट बनाना एक बात होती है, लेकिन उसको आप ये भी देखना होगा कि उसको आप मेंटेन कर सकते हो कि नहीं, मतलब लॉन्च पैड पर रखा है तो रखे रखे वो खराब ना हो जाए। तो इस कारण से आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना प्लस माइनस होता है। तो चांद पे अगर बात करें तो माइनस साइड में वो -173 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन छू रहा है, ये इतना ठंडा हो जाता है। और अगर हम गर्म साइड में बात करें 116 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है। तो बोलो भाई ये बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब लगभग रफली मान के चलिए तो आप 300 डिग्री तक का हुहा देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, वो इसलिए समझिए कि धरती में भी वही होता है, 300 डिग्री का हुहा होता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बफर की तरह काम करता है। कि ठीक है, जैसे मान लीजिए चांद में आपने बफर दे दिया, ये मतलब रात के साइड में गर्मी चला जाएगा और गर्मी के साइड में रात का ठंडा आ जाता है। एटमॉस्फेयर एज ए अच्छा इंसुलेटर बफर काम करता है, इसीलिए हम लोग जल नहीं जाते। तो वही अगर चांद पे एटमॉस्फेयर होता तो आराम से ये आपको मिल जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर रेंज जनरली कहा जाता है 60 डिग्री सेल्सियस, बहुत नीचे नहीं जाता बहुत ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। और इसका ये बात भी समझ जाओगे, परछाई और मतलब धूप में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब आप ऐसे बिल्डिंग बनाए, ठीक है, ये साइड अगर धूप खा रहा है तो ये चला जाएगा मतलब 120 डिग्री सेल्सियस, और जो साइड छाँव है वो बहुत कम हो जाता है, वो -170 चला जाता है। तो आपको कोई ऐसा मटेरियल बनाना पड़ेगा जो उतना एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल कर सके। और फिर ये हाई वैक्यूम है, मतलब चांद पे एकदम कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, चांद एकदम आपको सीधा सीधा वैक्यूम, मतलब मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है कि माइक्रो पार है, बहुत छोटा यूनिट है, मतलब ना मान के ही चलिए। इसीलिए आपको ऊटपटांग डिज़ाइन दिख जाता है लैंडर का, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब यूनिक कंडीशन है, पहला ग्रेविटी बहुत कम है, दूसरा एस्केप वेलोसिटी भी कम है, तीसरा टेम्परेचर लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब अगर आप रॉकेट वहाँ लैंड किए तो उसको बनाना होगा कि वो हैंडल कर सके वो टेम्परेचर, नहीं कि हाँ रॉकेट लैंड किया जैसे ही एक डे नाइट साइकिल हुआ वो टूट गया क्योंकि उसका टेम्परेचर हैंडल नहीं कर पाया। जैसे आपको पता है ना ब्रिज में भी आपको जगह बनाना पड़ता है कि गर्म होने से फैलेगा ठंडा होने से सिकुड़ेगा, तो वो सब सोच के बनाना पड़ता है। और वैक्यूम है
तो फिर बात बनता है ठीक है ये सब कंडीशन है तो इसके लिए हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा हो जाता है चूँकि एटमोसफेयर नहीं है मतलब सीधा वैक्यूम ही है तो हम लोग को पेलोड फेयरिंग नहीं बनाना पड़ता। जो आप देखते हो ना स्पेस एक्स का रॉकेट जाता है धड़ाक से पेलोड फेयरिंग खुलता है ये सब नहीं करना पड़ता, काफ़ी अच्छा खासा वजन आपका बच जाता है। दूसरा हम लोग को स्ट्रीम लाइनिंग नहीं करना पड़ता चूँकि वो एटमोसफेयर से बाहर नहीं निकल रहा है उसमें कोई ढंग से डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ता तो आप कुछ भी तिगड़ा मूट पटांग जैसा दिखने जैसा बना सकते हैं वो आराम से काम करेगा क्योंकि वो रॉ वैक्यूम है। हाँ आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान देना होगा उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते लेकिन आपको मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं कर मतलब कोई एक चीज एंटीना दाएं निकला हुआ है ऐसे बाएं निकला हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही है। और थ्रस्ट के मामले में बहुत कम चाहिए तो एक एग्जांपल देने के लिए समझिए कि अगर आप चांद पे कोई रॉकेट बनाते हैं ना वो आराम से चांद का सरफेस से उठ के ऑर्बिट कर सकता है मतलब धरती में वो नहीं कर सकता आपको मल्टीपल स्टेज चाहिए तक जाने के लिए वैसा आपको चांद पे नहीं करना पड़ेगा। चांद पे सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट पॉसिबल है आराम से बिना हुहा के। इसीलिए जो रॉकेट भेजा गया था मतलब जिसे एस्ट्रोनॉट्स लोग लैंड किए थे वो मतलब समझिए ये है लूनर मॉड्यूल ये है लूनर बेसिकली लैंडिंग प्रोपल्शन यूनिट ये वापस जाता है तो मतलब आया ये पूरा ये यहीं रह जाएगा और ये वापस चला जाएगा। और इसमें एक छोटा सा रॉकेट था वो छोटा सा रॉकेट मोनोप्रोपेलेंट तक भी बना सकते हैं आप चाहे तो इसमें आपको ज़्यादा हुहा करने की ज़रूरत नहीं है आराम से छोटा रॉकेट जो धरती पे बेयरली उठ पाएगा वो चांद पे आराम से काम कर लेगा क्योंकि मैंने बताया मतलब ग्रेविटी लगभग 10% भी ठीक से नहीं है। तो डिज़ाइन में यही होता है कि आप तिगड़म बना सकते हैं पेलोड फेयरिंग का झंझट खत्म हो जाता है और लो थ्रस्ट से काम चल जाता है मतलब आपको नहीं चाहिए एकदम धरती हिला दे क्योंकि जब सैटर्न फाइव फायर किया गया था तो उससे साइज्मिक एक्टिविटी हो गई थी मतलब आपको पता नहीं चले बिल्डिंग नहीं हिलने लगे अगल बगल वाला हिल रहा था लेकिन मतलब दूर वाले बिल्डिंग नहीं हिलेंगे लेकिन आराम से साइज्मोग्राफ में आराम से डिटेक्ट हो जा रहा था समझ ली वो 5 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट एक पॉइंट पर आप डाल रहे हो तो उतना यहाँ नहीं है अगर वहाँ पर ये फायर किया तो भगवान जाने क्या होगा। तो ठीक है तो आपने उठे तो फिर आप ऑर्बिट में ही जाओगे तो सबसे बड़ा बात आपको ये समझना होगा कि चांद जो है ना चांद पे लॉन्ग टर्म आप ऑर्बिट बनाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है मतलब अगर आपने अंतरिक्ष में जैसे ये सब छोड़ दिया गया ये क्या वहीं रहेगा नहीं यही तो प्रॉब्लम है मतलब चांद पे कभी भी कोई चीज़ ऑर्बिट स्टेबल नहीं होता क्योंकि चांद जो है स्मूथ नहीं है। तो आप बोलोगे धरती कौन सा स्मूथ है धरती में ग्रैंड कैनियन है धरती में माउंट एवरेस्ट है तो ऐसा मतलब हमारा भी काफ़ी अप डाउन है लेकिन आप ये बात समझिए कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट आप मान के चलते हैं मान लीजिए 20 किलोमीटर है सबसे डीप पॉइंट जो कि 20 किलोमीटर है तो मान लीजिए 40 किलोमीटर का प्लस माइनस आपको मान के चलते हैं सबसे ऊपर और सबसे नीचे और धरती का डायमीटर कितना है उसके हिसाब में आप कंपेयर कीजिए तो मतलब अगर उतना स्मूथ आपको बॉल दे देंगे ना वो दुनिया का सबसे स्मूथ बॉल होगा। तो हमारा धरती का और ये होता है हर चीज़ में होता है जुपिटर सैटर्न में मतलब इतनी ग्रेविटी है कि वो बाय डिफॉल्ट स्मूथ हो जाता है तो चांद जो है स्मूथ है लेकिन उतना नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इसका ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरह का आपको मैप देखने को मिलेगा कि चांद का ग्रेविटी स्टेबल नहीं है तो मतलब धरती के नज़र मतलब देखिएगा तो बहुत सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी तब आपको थोड़ा मोड़ा अप डाउन दिखेगा ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा है तो मतलब समझिएगा धरती को नाप रहे हैं कि अप डाउन 1 से 5 तक का अप डाउन होता है मतलब ठीक है 5 प्लस 5 माइनस होता है तो चांद के केस में देखिएगा तो +50 -50 चला जाता है रेंज बहुत ज़्यादा है तो मतलब लिटरली सैटेलाइट आ रहा है मतलब एक गड्ढा वाला स्पॉट पे गया जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन जैसे ही वो जाएगा तो स्पीड उसका अनबैलेंस हो गया है क्योंकि मतलब ऑर्बिट के लिए आपने हिसाब क्या लगाओगे नॉर्मल ये स्पीड है लेकिन वो नहीं कर पाता है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है या तो आप सैटेलाइट में करेक्शन सिस्टम डालिए या तो कुछ ऐसा ऑर्बिट बनाइए जो जिसको आप पूरे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ यहाँ माइनस हो रहा है तो ऐसा बनेंगे कि प्लस और माइनस बैलेंस हो जाए तो किया जा सकता है लेकिन अनस्टेबल होता है वो ऑर्बिट मतलब सर्कुलर नहीं होता है। तो ये बात समझिए कि चांद पे ऑर्बिट करना लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म कर सकते हो मतलब आप एक सैटेलाइट भेज दिए तो ऐसा नहीं है तुरंत क्रैश कर जाएगा 1-2 साल लगेगा लेकिन समझिए 1-2 साल मतलब धरती में करते हैं तो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में 1-2 साल रह जाते हैं जबकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग है प्लस मतलब स्पीड भी ज़्यादा चाहिए तब भी वो उतना टिक जाता है ये ग्रेविटी अनस्टेबल है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा कि आप ऑर्बिट पे लगा के भूल नहीं सकते इसीलिए जो वो बनाया गया है डीप स्पेस गेटवे जिस पे आप मेरा यहाँ वीडियो देख सकते हैं डीप स्पेस गेटवे में थ्रस्ट का यूनिट दिया गया है ताकि वो खुद ब खुद ऑर्बिट मेंटेन कर सके नहीं तो लगा के भूल नहीं सकते उसको। फिर आता है कि ठीक है ये सब हुआ उसका साइंस का डिपार्टमेंट तो ईंधन के बारे में क्या बात करते हैं तो ईंधन के बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि हाँ हम लोग मून मिशन में अपोलो मिशन में ये थे कि धरती से ईंधन ले गए थे लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो पूरा मिशन का है चांद को इंडस्ट्रियलाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे चांद पे हम लोग मतलब समझिए घूमने नहीं जा रहे पिकनिक नहीं मनाने नहीं जा रहे यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट डालना चाहते हैं कि मतलब हाँ इंसान का यहाँ पहुँच हो गया है यहाँ पे अब सब काम हो रहा है मतलब सब चीज़ इन हाउस होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग धरती से तो रॉकेट नहीं ले जा सकते धरती से फ्यूल नहीं ले बहुत महंगा पड़े एक बार करने के लिए सैटर्न फाइव लॉन्च करना पड़ता है तो समझ लीजिए कि नहीं पॉसिबल है। और जो भी ईंधन आप पकड़ेंगे उसको स्टोरेबल होना चाहिए यानी कि रख के भूल गए
अगर आप मेरा पिछला एपिसोड देखे होंगे रॉकेट मंडे का, तो उसमें मैंने यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट के बारे में वीडियो बनाया था। तो हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट स्टोरेबल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं होता, यानी कि आप उसको टंकी में रख के इस्तेमाल कर दीजिए तुरंत, मतलब मैक्सिमम हुआ तो 6 महीने तक आपको रखा जा सकता है, उसके बाद वो टंकी को ख़राब करने लगेगा, तो स्टोरेबल नहीं होता है। हाइपरगोलिक काफ़ी कम थ्रस्ट देता है लेकिन इतना थ्रस्ट है कि चांद पे आराम से काम होगा, मतलब वो धरती पे हाइपरगोलिक से लोग निकाल लेते हैं पावर, तो मतलब चांद पे तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। और स्टेबल अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे सबसे बड़ा फजीहत वाला बात है, क्योंकि आपका रॉकेट जैसे मान लीजिए आपने लैंड कर दिया, ठीक है, BFR को आपने लैंड कर दिया धड़ाक से, तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस बहुत होगा, मतलब दिन रात वाला साइड में अगर क्या, जो कि 15 दिन का होता है, और आप बोलिएगा नहीं हम उसको दिन में ही लैंड करेंगे, दिन में ही हटा लेंगे, ठीक है 15 दिन है आपके पास, वैसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी जिस भी साइड में शैडो है उस साइड तो ठंडा हो गया, तो जो भी ये टेम्परेचर आप चेंजेस होगा, कितना भी आप अच्छा इंसुलेटर लगा लें, वो चेंजेस आपका असर डालेगा, वो चेंजेस को आपका संभालना होगा, आपका ईंधन नहीं होना चाहिए चेंज से ब्रेक कर जा रहा है या उस चेंज के कारण इवेपोरेट कर जाता है, तो आपको स्टेबल टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। धरती में उतना टेंशन नहीं है, और धरती में हम लोग क्या है टंकी तुरंत भरे तुरंत लॉन्च कर दिए, चांद पे आपको रख के भूल जाना जैसा होना चाहिए, और इन सीचु यूटिलाइजेशन मतलब चांद पे गए चांद पे ही कलेक्ट किए, मैंने आपको सीधा बता दिया कि मतलब धरती से ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ भी अगर बात करते हैं तो जैसे कई लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि हम लोग क्यों ना आयन इंजन इस्तेमाल करें, आयन इंजन में ईंधन बहुत कम लगता है, मतलब 1-2 टन बहुत ज़्यादा हो गया, 100-150 टन में बात नहीं किया जाता, उसके लिए किलोग्राम में बात किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो इसमें इतना थ्रस्ट नहीं होता कि आप चांद से उठ पाएँ। और दूसरा ये है कि चांद पे वो मिलेगा नहीं आसानी से, मतलब ऐसा नहीं कि आर्गन या नियोन या जीनॉन ये सब अगर गैस अगर आप चांद पे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब समझिए 10,000 टन का मिट्टी को आप प्रोसेस कीजिएगा तो 2-3 किलो मिलेगा जीनॉन, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए जो आप उसको वहीं से निकाल सकें। तो ठीक है, तो ये सब तो हमारा लंबा लिस्ट बन गया, लेकिन करेंगे क्या, तो आप हर जगह सब लोग सुनते होंगे पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, तो पानी का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है फ़ायदा का, जैसे खास करके वो स्टेबल है और स्टोरेबल है, मतलब फ्लेक्स बहुत आपको ऑप्शन मिल जाता है पानी के साथ, तो पानी, और ऐसा भी नहीं है कि पानी आपको जब तक सील कर देते हैं टैंक में तो गर्मी ठंडा दोनों बर्दाश्त कर सकता है बिना दिक्कत के। और आप कई बार देखते होंगे कि जो स्पेस का जितना भी चीज़ जो अंतरिक्ष में जाता है उसमें गोल्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड फॉइल रहता है, वो इसीलिए मैंने आपको बताया था तापमान का जो चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है तो उससे आप बच नहीं सकते, आप कितना भी रेडिएटर लगा लीजिए कितना भी हीटर लगा लीजिए आप उससे नहीं बच सकते, तो सबसे सिंपल ऑप्शन में होता है कि शांति से इंसुलेटर लगा दो, और इंसुलेटर तभी तक अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि जब तक उस पर रिफ्लेक्टर लगाया गया हो, तो समझिए गोल्ड का फॉइल जो है वो दोनों काम करता है, तो जैसे आपका ये मटेरियल, ठीक है, ये साइड गर्म हो रहा है और ये साइड ठंडा हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थर्मल लूप लगा लीजिए कि गर्म साइड का गर्मी ठंडी साइड में चला जाए, वो भी किया जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, तो गोल्ड फॉइल जो आप देखते हैं लूनर बॉडी में खूब सारा गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, तो वो गोल्ड फॉइल इसलिए इस्तेमाल किया जाए, गोल्ड बहुत अच्छा है इंफ्रारेड को रोकने के लिए, मतलब और हमारा सन जो है एज ए स्टार वो मतलब इंफ्रारेड बहुत रिलीज करता है, तो अगर आप इंफ्रारेड को संभाल लिए तो ज़्यादा आपको बाकी टेंशन नहीं लेना है, तो हम लोग गोल्ड का एक फॉइल लगाएंगे फिर एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे फिर गोल्ड लगाएंगे फिर एल्यूमिनियम फिर इंसुलेटर लगाएंगे, तो समझिए आधा से ज़्यादा गर्मी तो घुस ही नहीं पाया। और अब ये इंसुलेटर के बाद ये समझिए कि वो दो तरफा होता है, कोई भी इंसुलेटर आपको ऐसा नहीं मिलेगा गर्मी इधर से इधर आ जाए और इधर से इधर ना जाए, तो अगर आप मतलब समझिए जो गर्मी इधर से आने से रोक लिए वो गर्मी बाहर भी नहीं जा पा रहा है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका शिप का जो भी शिप है जो भी मॉड्यूल है उसका इंटरनल टेम्परेचर आपको रखना होगा, कि मान लीजिए इंसान रखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप -180 रखोगे, तो आपने मान लीजिए बना लिया कि मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है, तो शिप का वो जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो आराम से मेंटेन रहेगा क्योंकि वो स्वेटर पहना हुआ है मतलब इंसुलेटर है, और बाहर से उसका तापमान चेंज नहीं होगा क्योंकि गोल्ड फॉइल सीधे बोल दे रहा है भैया इंफ्रारेड को तुम अंदर मत घुसो, और बाकी सबको रिफ्लेक्ट करना आसान है, इसीलिए आपको जनरली जो भी चीज़ अंतरिक्ष में जाता है या तो उसको आपको व्हाइट पेंटेड किया जाता है या तो उस पर गोल्ड फॉइल पोता जाता है। तो पानी का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा टंकी आराम से बना सकते हैं जो चांद पे आप रख के छोड़ दीजिए कोई टेंशन नहीं कई साल तक रहेगा। तो पानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला सबसे सिंपल ऑप्शन आएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए और आपको आराम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ पे लोग काफ़ी चीज़ मिस कर जा रहे हैं कि ये कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों, तो सबसे पहले एकदम सिंपल फिजिक्स का बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं, यानी आपका रॉकेट का ईंधन जो है जलाने पर जितना एनर्जी देगा उतना ही एनर्जी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में डालना पड़ेगा, तो पहला तो वो बात हो गया कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस में उतना एनर्जी डाल रहे हैं क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ठीक है आप एनर्जी सोलर एनर्जी लेके डाल दिए इसमें और अब रॉकेट वापस वो तो तब वहाँ पे आपका ये सब गैस जो है बिहेव करेगा एज अ बैटरी, ठीक है आपने सोलर एनर्जी को लिया उसको बैटरी मतलब गैस में कन्वर्ट कर लिया और गैस को वापस ले गए। अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ठीक है इससे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, आपने पहले क्या करना है आपको आइस लेना है,
आपको आइस को फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पानी है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, यहाँ पे आप बहुत एनर्जी दे, जबकि अभी तक आप बहुत एनर्जी ऑलरेडी लगा चुके हैं, आइस कलेक्ट करना, आइस फिल्टर करना, आप पहले ही बहुत एनर्जी लगा चुके हैं, अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करना जिसमें भरपुष्ट एनर्जी लगेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो गैसेस निकलेंगे उसको दोबारा आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसको दोबारा आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, ये दोनों स्टेज बहुत ज़्यादा एनर्जी खाएगा। तो मतलब समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइसिस तो ऐसे ही इफिशियंट नहीं होता, तो मतलब टोटल एनर्जी बजट के हिसाब से आप देखिएगा तो कई 100 मेगावाट का एनर्जी आप डालिएगा आइस में, तब जाके आपको कुछ मेगावाट का रॉकेट फ्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे ये समझिए एनर्जी के हिसाब से एकदम अच्छा आइडिया नहीं है। हम लोग क्यों ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, मतलब हमारा रॉकेट ऐसे ही बनाया हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन पे चलने का, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए आप हर जगह सोचेंगे जहाँ पानी है वहाँ पे रॉकेट फ्यूल है, लेकिन वो कहने में आसान है करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए आइस लीजिएगा उसको प्यूरीफाई कीजिएगा उसको वाटर में बदलिएगा उसके बाद उस वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज कीजिएगा, वहाँ तक सब चीज़ आसान है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइज के बाद उसको आप लिक्विफाई करने बैठिएगा तो वहाँ पर बहुत एनर्जी लगेगा, प्लस उसको लिक्विड ऑक्सीजन बनाना लिक्विड हाइड्रोजन बनाना दोनों मुश्किल वाला काम है, प्लस वो दोनों स्टेबल नहीं होता है, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब बॉइल ऑफ होता रहता है, मतलब उसको उतना क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखना मुश्किल बात है। तो एक ऑप्शन तो ये होगा कि आप सिंपली शांति से इलेक्ट्रोलाइज़ करें और जितना एनर्जी खर्चा रहे, क्योंकि चांद पे बहुत सोलर एनर्जी है, तब बोले छोड़ो जितना एनर्जी लगता है लगा करो, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है स्टीम, भाप का इस्तेमाल करें, तो क्या वो किया जा सकता है? हाँ, स्टीम रॉकेट बहुत साल से बनाए जा रहे हैं, मतलब जनरली एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है, कुछ कुछ लोग डेयर डेविल ट्राई करते हैं उसका, और अभी एक कंपनी है आर्क स्पेस कंपनी ट्राई कर रही है कि इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट स्टेज बनाइए, तो क्या ये किया जा सकता है? शॉर्ट आंसर हाँ, क्यों नहीं करते हैं? स्पेसिफिक इंपल्स बहुत कम होता है, स्पेसिफिक इंपल्स मतलब स्टीम का फिर फर्क ये बनता है कि पानी उसमें जो गर्म है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब गर्म पानी आप बैटरी से गर्म कर रहे हैं उसको, या आप उसमें मतलब पहले से उबलता पानी डाल दिए थे और बस वाल्व खोलने का देर कर रहे थे, तो आप किस तरह से एनर्जी उसमें डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक इंपल्स। तो आपका स्पेसिफिक इंपल्स अगर बैटरी से गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हुआ तो आपको मतलब 50 से 60 स्पेसिफिक इंपल्स मिलेगा, जो कि बहुत कम है, और अगर अच्छे से कर रहे हैं तो 190 मिलेगा। तो एक एग्जांपल देने के लिए, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर आप रॉकेट पर बात कर रहे हैं तो वो आपको 300 तक ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा खींच दिए तो 400, आज तक कोई छुआ नहीं है लेकिन मान के चलिए 400, तो समझिए 50 से 100 और 300 से 400। तो बात यह बनता कि हर जगह तो यही क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल ऑप्शन है कि वाटर और हीट मिला के आप बहुत एनर्जी निकाल सकते हैं और थ्रस्ट बहुत मिलता है। ये मैंने आपको बार बार कहूँगा कि थ्रस्ट जो है अगर आपके पास बहुत है तो आपको ज़्यादा देर इंजन नहीं चलाना पड़ेगा, मतलब इंजन फुस 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 करके काम हो जाएगा, ज़्यादा देर इंजन भूश करके चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पानी में बहुत थ्रस्ट होता है, इसीलिए धरती में भी इसका रॉकेट बना के लॉन्च कर सकते हैं, माइलेज नहीं देगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन धरती से उड़ जाएगा, तो पहला तो वो हो गया। प्लस इसका अगर इंजीनियरिंग ठीक से किया जाए, जैसे आपको ये आर्क का अभी रिसेंटली आ रहा है कि ये लोग पानी का इस्तेमाल करके करेंगे, तो ये लोग लिथियम आयन पॉलीमर का बैटरी इस्तेमाल करके उस बैटरी से पानी को हीट करेंगे, तो पानी पहले से ही गर्म रहेगा, मतलब लॉन्च पैड पे उसको गर्म कर लेंगे, जितना प्रेशराइज हो सकता कर लेंगे, और उसमें थोड़ा सा बैटरी से एंड में डालेंगे, तो इसलिए इनका एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं। लेकिन अंतरिक्ष पे ये बहुत आराम से काम करेगा, मतलब धरती में आपको समझिए ग्रेविटी का देखना है, वहाँ पे नहीं देखना है, मतलब चांद पे आपको नहीं देखना है, तो पानी का इस्तेमाल करके ये भी यही सिंपल रॉकेट काफ़ी अच्छे से काम करने लगेगा। दूसरा, ये तो एक सिंपल हुआ कि हीटिंग एलिमेंट, आपने बैटरी लिया हीटिंग एलिमेंट किया, दूसरा काफ़ी लोग कुछ नया नया टेक्नोलॉजी लगाए, जैसे कि ये है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं पानी को हीट करते हैं। अब बात यह है कि पानी जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतना ज़्यादा वो एनर्जी कैरियर बन जाता है, तो वहाँ पे आप बैटरी प्लस हीटर का इस्तेमाल कीजिए या माइक्रोवेव हीटिंग का इस्तेमाल कीजिए। तो माइक्रोवेव से अगर आप हीट करते हैं तो फायदा ये होता है कि पानी बहुत गर्म कर सकते हैं, तो आप तो देखते होंगे मतलब आपका हीटर जितना भी अच्छा बनाए तो 200-300 डिग्री तक ही ले जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कोई भी कंटेनमेंट फील्ड फट जाएगा, मतलब जो भी प्रेशर वेसल है वो फट जाएगा। तो यहाँ माइक्रोवेव में फ़ायदा ये होता है कि उसको मतलब पानी आया माइक्रोवेव उसको तुरंत मतलब 800-900 डिग्री तक गर्म कर सकता है एक छोटे पॉइंट पर, तो वो समझिए रॉकेट इंजन जैसा काम करने लगेगा। तो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो आप आराम से 900 सेकंड तक का ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब माइलेज के मामले में समझिए कोई लिक्विड हाइड्रोजन का और मतलब लिक्विड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रॉकेट तो आता ही नहीं है, मीथेन का भी नहीं आता है, किरोसिन का भी नहीं आता है, तो माइलेज के मामले में तो बात नहीं कर रहा। दूसरा, ये थ्रस्ट भी देता है, तो आप क्योंकि अगर इस तरह का स्पेसिफिक इंपल्स बात करें तो लोग बोलते हैं आयन इंजन पर चले जाओ, आयन इंजन का थ्रस्ट माइक्रो न्यूटन में होता है, ये किलो न्यूटन तक में थ्रस्ट देता है, तो थ्रस्ट भी देगा माइलेज भी देगा। सवाल ये बनता है कि आप कहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे ताकि वो माइक्रोवेव चला सके, तो आपके पास उसमें भी दो ऑप्शन होता है कि शांति से माइक्रोवेव बीम कर दीजिए, या मतलब स्पेस में है तो आप आराम से सोलर पैनल का इस्तेमाल कीजिए और पानी को मतलब बैटरी थोड़ा देर के लिए चार्ज कर लीजिए कि जैसे बस
अंतरिक्ष से लॉन्च, मतलब चांद के सरफेस से लॉन्च होने में कोई ज़्यादा एनर्जी लगेगा नहीं, वहाँ से बैटरी से ही आराम से काम कर सकते हैं, या कि ठीक है भैया थोड़ा दूर आएगा तो उसके बाद अपना सोलर पैनल खोल के उसका इस्तेमाल करके आराम से यू नो रेस्ट ऑफ द वे करेगा, क्योंकि आप समझिए फिर आपको पानी को फ्यूल में बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और चूँकि वही सबसे बड़ा बात था कि आपको चार मतलब 350 से लेकर 400 तक का स्पेसिफिक इंपल्स कलेक्ट करने के लिए बहुत एनर्जी डालना पड़ रहा था, यहाँ पे पानी कलेक्ट करना है आपको, अभी भी बर्फ को पानी में बदलना है, बर्फ को मतलब जो पानी बना है उसको साफ करना है, काम खत्म, साफ पानी बस स्टोर करना है। और इस मतलब लिक्विड सिंपल स्टेज में बहुत स्टोरेबल, आसानी से स्टोर है, जब तक आप इंसुलेटेड वाटर टैंक बना सकते हैं वो आराम से रहेगा। आप वाटर टैंक मान लीजिए रॉकेट बना के रख दिए तो उसमें आप थोड़ा सा गैप दीजिए ताकि मान लीजिए जम गया किसी कारण से जम गया, ठीक है भैया आराम से कोई थोड़ा सा जगह एक्सपेंशन का रख देंगे, मान लीजिए जमा हुआ है तो उसको दोबारा कैसे केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके आराम से उसको आप मेल्ट कर सकते हैं। बैटरी का इस्तेमाल करेंगे रीयूजेबल हो जाएगा, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं कोई थोड़ा कैटलिस्ट डालें जो पानी को गर्म कर दे वो आराम से होगा, लेकिन यूज एंड थ्रो हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो पानी और गर्मी का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा लूनर इकोनॉमी का फाउंडेशन डाला जा सकता है, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ भैया पानी लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ट्राई कीजिए धरती पे करने का, आप मतलब दुकान से सामान खरीद के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखिए गैस निकालना आसान बात होता है, पहला तो वहाँ का इफिशियंसी, फिर देखिए गैस निकालने में वो कितनी इफिशियंसी मिल रही है, दूसरा फिर उस गैस को दोबारा कंप्रेस करना, उसको लिक्विफाई करना, वहाँ पे आपका बैंड बचेगा। तो इसी कारण से सुनने में बहुत आसान लगता है अरे पानी है तो यानी रॉकेट फ्यूल है, नहीं, पानी है और गर्मी है, गर्मी आपका सोलर पैनल हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो या आरटीजी हो या मतलब आप ज़मीन से एनर्जी उसको बीम कर रहे हो, तब आप आराम से बना सकते हैं पानी को। तो इसीलिए पानी और गर्मी का इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा अच्छा चांद पे रॉकेट मिला, ये सब अच्छा आइडिया नहीं है धरती के अंदर करने का, लेकिन चांद पे बहुत अच्छा से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लूनर रॉकेट्स के बारे में, जो चांद पे ही काम अच्छे से कर पाए, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा दो बार दबाइए उससे मुझे पता चलेगा वो कितना ना पसंद हुआ है, और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ही जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।